सिर्फ दो दिन बाद हिमाचल की जनता अपना वोट देकर यह तय कर देगी कि हिमाचल में इस बार सत्ता किसके हाथों में होगी। लेकिन चुनाव से पहले शिमला ग्रामीण सीट में चुनावी मैदान में उतरे सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को पूरी उम्मीद है कि इस बार हिमाचल में मिशन रिपीट होगा और पूरा हो पाएगा। आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार से उनकी खास बातचीत। हिमाचल में चुनाव प्रचार अंतिम चरणों में चल रहा है। हमारे साथ इस समय यहां पर मौजूद है शिमला रूरल से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह। विक्रम, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, क्या आप देखते हैं किस तरह का प्रचार और कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और मुद्दा केवल डेवलपमेंट है। जो अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल में करवाया है और जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूं शिमला रूरल, यहाँ पे करीबन 1300 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। पीपल अप्रिशिएट द अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स, वेदर इट इज एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई स्कीम, स्वास्थ्य सेवाएं, हर चीज में काम हुआ है और हम एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ आगे चल रहे हैं। जो काम पूर्व में हो चुका है उसको किस तरीके से हमने आगे लेकर जाना है और उसमें सब लोगों का सहयोग, महिलाओं का, बुजुर्गों का, यूथ का और जो हमारे प्रोफेशनल वर्ग है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे एडवोकेट्स है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, दे ऑल प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव पार्ट इन दी सोसाइटी।